अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। ये था आपके लिए मोटिवेशनल क्वोट। तो अब स्टार्ट करते हैं मोंटीज में। सो आज की वीडियो है कि एडवांस हेयर कट कैसे करते हैं। एडवांस हेयर कट के अंदर हम आज करेंगे फेदर हेयर कट। सो जैसा ये आपने देखा, बालों को ऊपर किया है मैंने, तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपने वैसा, तो ठीक है, वो बस मैंने बोला है क्लाइंट को रिझाने के लिए है। सो फर्स्टली, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फर्स्टली सेक्शन गाइडलाइन जो फेदर कट की होगी वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, क्लाइंट ने मुझे बोला है कि मेरे चिन से नीचे होनी चाहिए, तो मैंने चिन से कम 5 इंच नीचे गाइडलाइन ली है। फेदर कट में गाइडलाइन हम आगे से लेते हैं, ठीक है। जितने भी एडवांस हेयर कट होते हैं बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस एक टेक्निक पकड़ में आनी चाहिए। सो वॉच दिस, सो जस्ट नाउ फॉलो दी गाइडलाइन। हमने जो गाइडलाइन ली है कॉम अच्छे से करें हमेशा, ठीक है। यू कैन सी दैट गाइडलाइन देयर जी। अब उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने काटना है आपके बालों को, ठीक है, छोटे छोटे सेक्शन में, जैसे कि देख सकते हैं। सो इस वीडियो में जो हम फेदर कट कर रहे हैं वो ए फेदर, ए फेदर के अंदर आपका फिंगर पोजिशन डाइगनल रहेगी, और जो सेक्शनिंग पोजिशन है जैसे कि आप देख सकते हैं वो भी आपके डाइगनल रहेगी। स्ट्रेट नहीं रखना है, उससे ज़्यादा बाल कट जाएगा। जिन क्लाइंट्स को लेंथ ज़्यादा चाहिए और लॉन्ग हेयर है जिनके, उनके लिए ए फेदर बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज इसमें लेंथ बहुत कम रिड्यूस होती है, क्योंकि हम जब डाइगनल पोजिशन करते हैं तो इसमें लेंथ बहुत ज़्यादा कम रिड्यूस होती है। तो उसी तरह एक साइड हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम दूसरी साइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने डायगनल पोजीशन ही ली है फिंगर्स की। सो बताया जैसा कि 2 मिनट लगेंगे पूरे आपको इस हेयर कट को पूरा करने में। इसके अंदर बस एक टेक्निक ही मेन है, अगर वो आपको आ जाती है अच्छे से तो आप इस हेयर कट में कभी भी नहीं अटकोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेयर कट में होता है वो होता है कि हमारे टेंगल फ्री अच्छे से होने चाहिए बाल। अगर हमारे हेयर टेंगल फ्री नहीं है तो हेयर छोटा बड़ा ज़रूर होगा ही होगा। सो हमेशा ध्यान रखिए कि हेयर कट अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से टेंगल फ्री बालों को ज़रूर कर ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे हेयर कट के लिए। जो प्रोफेशनल होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सेक्शनिंग भी कितनी क्लीन की हुई है इस वीडियो में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमने पूरा का पूरा काट दिया है बालों को, ठीक है। अब मेन चीज़ जो आती है, आपने अच्छे से काट दिया बालों को, ठीक है, अब चेक करना ना भूलें। चेक हम किस पे करेंगे? चेक हम 0 डिग्री पे करेंगे, ठीक है। क्यों 0 डिग्री पे करेंगे आपको रीज़न पता है, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है। अगर आप नए हो तो बता दूँ, कोई भी बाल अगर गिरता है तो वो 0 डिग्री पे ही गिरता है, ठीक है। तो उस डिग्री पे आपको अच्छे से चेक करना चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री आपने क्लीन कर लिए, अब हम बात करते हैं ऊपर अपर जो क्राउन सेक्शन है वो आपका इक्वल होना चाहिए, छोटा या बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो अच्छे से कॉम करो, ठीक है, 1 इंच इस तरफ से लेना है, 1 इंच पार्टीशन के उस तरफ से लेना है, सेंटर पार्टीशन के। उसके बाद में बीच में से इस सेक्शन को निकाल लो, इसको 2 में डिवाइड कर दो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको जो हेयर दिखेंगे वो बड़े छोटे हैं थोड़े, सो उन्हें भी अब हम इक्वल करेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। छोटे जो देखो, जो लेयर, जो हेयर आप जो दिख रहे हैं आपको, वो बिल्कुल बेजान थे, तो हमने वो काट दिए और बिल्कुल जो आपका हेल्दी हेयर था वही हमने रखा है। मैम हमारे पास ट्रिमिंग के लिए आए थे तो मैंने मैम को ये कट सजेस्ट कर दिया कि मैम ट्रिमिंग तो आप लेते रहते हो, आप ये हेयर कट ज़रूर ट्राई करो एक बार। सो उन्होंने मेरे कहने पर ये हेयर कट करवाया है। सो ऊपर से फ्रंट चेक करने के बाद में अब बारी आती है 0 डिग्री पे हेयर कट को फिर से चेक करने की, ठीक है। चेक आपने सेक्शनिंग कर रही है, बिल्कुल ईयर टू ईयर सेक्शनिंग करनी है, ठीक है। नॉर्मली कॉमिंग करने के बाद ईयर टू ईयर सेक्शनिंग करनी है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो फ्रंट सेक्शन है उसको आपने इक्वल करना है, ठीक है, डायगनल फिंगर पोजिशन के साथ, ओके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो लंबे हेयर है उनको काट दीजिए, वो आपके हेयर मर्जी रहेंगे, छोटे बड़े बिल्कुल नहीं होंगे। फिर इस साइड से पीछे से भी सेम आपने वही करना है, मर्ज ही करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को हम 0 डिग्री पे ज़रूर काट के देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ हेयर कट की
क्या हेयर कट बड़ा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी सबसे नॉर्मल, कभी कभी क्लाइंट इसमें ना इस हेयर कट में पोनी टेल बन जाती है इन दी एंड, एक टेल सी बन जाती है, ठीक है। तो अगर वो क्लाइंट को नहीं चाहिए तो आप उसको काट के यू शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इसका जो शेप होता है वो वी शेप होता है ए फेदर का। लेकिन अगर क्लाइंट को नहीं चाहिए वो चीज़ टेल सी, तो आप उसे काट भी सकते हो, तो वो वी ज़्यादा डीप नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं अभी भी वी है इसमें, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप नहीं है जितना पहले था। सो क्लाइंट से ज़रूर पूछे कि मैम लेंथ ठीक है या नहीं है, क्योंकि हेयर कट हो चुका है, अब बारी है ब्लो ड्राई की, ठीक है। ब्लो ड्राई इसमें आपने इनवर्ड्स करना है, टाइट इनवर्ड्स ब्लो ड्राई करना है, आगे की तरफ ही होगा पूरा का पूरा सेक्शन, ठीक है। सो हेयर कट हो चुका है, ब्लो ड्राई हो चुका है। सो उसके बाद में बात आती है स्टाइलिंग की। जैसे कि आप देख सकते हैं एक भी लेयर नहीं थी इससे पहले, बट ये हेयर स्प्रे करने के बाद में इतनी सारी लेयर्स एकदम से विजिबल होने लगी। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने एक टेक्निक यूज़ की है, ठीक है। ये जो स्प्रे है ये नॉर्मल स्प्रे नहीं है, ये शाइनिंग स्प्रे है, ठीक है। और इसको मैं बिल्कुल नीचे से लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो लेयर विजिबल नहीं है वो भी अच्छे से विजिबल हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मैसी लेयर्स क्रिएट हुई है हेयर के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आपने भी स्प्रे करना है। जो बोलते हैं ना कि सर हेयर कट हमने पूरा कर दिया, ठीक है, पर लेयर्स नहीं आ रही है हेयर कट में, तो वो इसी कारण नहीं आती है आपकी लेयर्स, क्योंकि आप लोग स्प्रे अच्छे से नहीं करते हो, आपको टेक्निक नहीं आती है। तो इस वीडियो में आपको टेक्निक समझ में आ गई है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे ही आप स्प्रे करें, ठीक है। लेयर्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा विजिबल है। जिनको हैवी पोनी चाहिए, पूरी पोनी में लेयर्स चाहिए, उनको आप ए फेदर सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप बस आगे से जैसा कि देख सकते हैं सेट कर दीजिए क्लाइंट के हेयर। सो जैसा कि हमने बताया था आपको कि क्लाइंट के अकॉर्डिंगली हमने लेंथ रखी है, ठीक है। फ्रंट की लेंथ भी उतनी है, चिन से 5-6 इंच नीचे से हमने लेयर्स डाली है फेदर में, ठीक है, ए फेदर। जैसा कि आप इस वीडियो अब देख सकते हैं, आप बीच में जो गैप है ये पूरा ए की तरह होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको ए फेदर बोलते हैं। सो क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश है, 6 महीने पहले भी इसने मुझसे यही हेयर कट करवाया था, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस बार मैंने सजेशन की दिया तो उसने फिर से ये हेयर कट करवा लिया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं लेयर्स विजिबल ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आपने फ्लफ देना होता है लेयर्स के अंदर, ताकि वो अच्छे से विजिबल हो पाए, ठीक है। अच्छे से क्लाइंट के हेयर को फ्लफ दीजिए। अब इसके अंदर आप देख लीजिए शेप आपका कौन सा बन रहा है। इसके अंदर आपका शेप बन रहा है वी विथ लेयर्स, ठीक है। तो दिस इज़ ए फेदर, ये ए फेदर की टेक्निक थी। डायगनल फिंगर पोजिशन रहेगी, डायगनल सेक्शन रहेंगे, 0 डिग्री पे आपने इन दी एंड ज़रूर चेक करना है, 90 डिग्री पे ऊपर फ्रंट वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है वो भी आपने चेक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी हैवी और लेयर्ड पोनी टेल बनी है, ये बस फेदर हेयर कट में ही बनती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी बटरफ्लाई हेयर कट, जो अभी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसकी टेक्निक भी बहुत इजीली आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा। सो अच्छे से वीडियो बना लीजिए, क्योंकि अगर आपने इतना अच्छा हेयर कट किया है तो प्लीज़ आप शो करने में डरे ना, ठीक है। कैमरा के सामने आए, थोड़ा सा अपने आप को रखे कि आप जो आप काम कर रहे हैं उसको आप शो भी कर सके। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैम का हेयर कट हो चुका है, बहुत अच्छे से हुआ है। सो एक वीडियो तो बनती ही थी इसके ऊपर, क्योंकि ए फेदर बहुत यूनिक हेयर कट होता है, बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं। सो अगर आप भी इसे करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे अच्छे से, ठीक है, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।